नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस को लेकर कई सारे आपके क्वेरीज आ रहे हैं, वो है इनके एडमिशन प्रोसेस को लेके कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज में किस तरीके के एडमिशन की प्रक्रियाएं हैं, अगर उनके लिए अप्लाई करना है तो किस तरीके से अप्लाई करना है। खासकर सीएमपी और ईसीसी को लेके बातें चल रही हैं कि इनके लिए हम रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, इनका कोई रजिस्ट्रेशन का लिंक नहीं मिल रहा है। आज आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन पीडीएफ मिल रहा होगा और जिसमें आपके सारी बातें होंगी, मैं एक एक बातें आपको समझाता हूं। सबसे पहले जो लोग नहीं जानते होंगे मैं उनको बता दूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस ने इस बार अपने एडमिशन की प्रक्रिया में एक बदलाव किया है। ऐसा था कि पिछले दो सालों से इनकी सीट्स नहीं फुल हो पा रही हैं, क्योंकि जब से सीयूटी आया है सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेने में बच्चे नहीं ऑप्ट करते हैं, इनकी सीट्स खाली रह जा रही हैं। तो इन्होंने अपने एडमिशन के प्रोसेस में बदलाव किया है। उसमें इन्होंने ये किया कि ऐसे बच्चे जिन्होंने सीयूटी दिया उनको ये पहली प्राथमिकता जो जरूर दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो बच्चे सीयूटी नहीं दे पाए हैं उनको भी ये यहाँ पर जो है वो मौका दे रहे हैं। और वो मौका देने के लिए इन्होंने अलग से अपना, हर एक कॉलेज ने अपना गूगल फॉर्म या रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड किया है। वही सारी चीज़ आपको कलेक्टिव फॉर्म में यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, मैं एक एक बातों को शुरू करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर पहली बात, इस बार सीएमपी और ईसीसी ने अपना अलग से रजिस्ट्रेशन लिंक अभी तक नहीं दिया है। बेसिकली होता यह है कि आप जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें ना करें, सीएमपी और ईसीसी को इससे मतलब नहीं होता था। इनके वेबसाइट पे आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था अगर आप इन कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस बार अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हो सकता है कि इस बार वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही डेटा को ले लें। अगर आगे चल के रजिस्ट्रेशन का लिंक आएगा तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी आपको क्या करना है, सीएमपी ईसीसी के लिए आप चाह रहे हो, सिंपली आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दो, आपका काम यहां पर हो जाएगा। अगर बाय चांस आगे चल के लिंक आएगा तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वीडियो दे देंगे, आपको बता देंगे, आप फिल कर दीजिएगा। पहली बात तो यह हो गई जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां पर पूछे जा रहे थे। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न यहां पे, अब ध्यान सुनिएगा, सबसे पहली प्राथमिकता तो सीयूटी के बच्चों को ही दी जाएगी और जिसके लिए आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया है वही आपको फिल करना है। अब यहां पर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सीयूटी नहीं दिया है, या मान लीजिए कि उन्होंने यहां पर सीयूटी दिया है साइंस के डोमेन से लेकिन अब बीए करना चाहते हैं, वो भी एक तरीके से नॉन सीयूटी के बच्चे ही हो जाएंगे। अगर आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हो तो आप एक तरीके से नॉन सीयूटी के बच्चे हो जाओगे। तो इनके जो नॉन सीयूटी वाले बच्चे हैं उनके लिए हर एक कॉलेज ने एक अलग से रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया है। आप देख सकते हो यहां पे किसी भी कॉलेज को लेके ये आपका जो है वो नॉन सीयूटी वाले बच्चों के लिए यहां पर लिंक दिया गया है। वो चाहे मैं सीएमपी की बात करूं, जैसे आप सीएमपी के लिए ही अगर आप क्लिक करोगे तो ये सीएमपी का गूगल फॉर्म यहां पर जो ओपन हो जाएगा और अलग से इसके लिए आपको यहां पर फी भी पे करनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर रजिस्ट्रेशन के लिंक जो हैं, जितने भी नॉन सीयूटी, नॉन सीयूटी का मतलब हो गया कि आपने सीयूटी नहीं दिया है और आप जो है वो क्लास 12 के मेरिट के बेसिस पर आपका यहां पर एडमिशन लिया जाएगा, लेकिन जब सीयूटी वाले बच्चों से सीट भरने के बाद खाली बचेगी सीट्स तभी ऐसा आपके साथ किया जाएगा। यह ना सोच लीजिएगा कि आप, अगर ये सोचेंगे कि आपका जो है वो पहले आपको प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। पहली प्रायोरिटी तो सीयूटी वाले बच्चों को ही मिलेगी। अब दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न, ये लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा हर एक का, कहीं कहीं अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग लिंक है। जैसे अगर मैं ईसीसी की बात करूंगा तो बीए, बीकॉम, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीसीए, सबके यहां पर अलग अलग लिंक जो है वो नॉन सीयूटी वाले बच्चों के लिए दिए गए हैं। कहीं पर आपके बीए बीकॉम के देखो लिंक अलग अलग यहां पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका भी आपको यहां पर ध्यान देना है। ठीक, अब जैसे किसी किसी कॉलेज ने लिंक नहीं दिया है, इन्होंने लिखा है कि कॉलेज में ही आपको जाके कांटेक्ट करना होगा, तो अगर आगे चल के लिंक दे देंगे तो हम आपको दे देंगे, नहीं देंगे इसका मतलब है कॉलेज में जाके ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब सुनिए नेट आपको करना क्या, पूरा नेट रिजल्ट मैं आपको दे दे रहा हूं, ध्यान सुनिए। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं उनके कोर्सेज की, जो भी सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक लैंग्वेज दो डोमेन एक जनरल टेस्ट या एक लैंग्वेज एक डोमेन एक जनरल टेस्ट, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप उनको फुलफिल कर रहे हैं तो आप पहला काम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया है उसको सिंपली फिल कर दीजिए। ठीक, आपको इसमें से किसी भी फॉर्म को फिल करने की जरूरत नहीं है। फिर से बोल दे रहा हूं,
अगर आपने इनकी एलिजिबिलिटी को आप फुलफिल कर रहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सेज की जो सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स है, तो आपको सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना, इसको इग्नोर कर दीजिए। समझ गए मेरी बात? अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं करते हैं या आपने सीयूटी नहीं दिया है, तो आप इनके यहां पर जो गूगल फॉर्म या जो भी वेबसाइट के फॉर्म दिए गए हैं, इनको जाके जरूर फिल कर दीजिएगा, जरूर से जरूर। यहां पे साइड में हमने कोर्सेज मेंशन कर दिए हैं कि वहां पर कौन कौन से कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं। समझ गए यहां पे? तो ये रही पूरी नेट बात एडमिशन प्रोसेस से रिगार्डिंग। आगे चल के अगर CMPECC कुछ बदलाव करेगा तो हम बता देंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बेसिक से फॉर्म दिए गए हैं, अपनी बेसिक से डिटेल्स आप दो दोगे, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तब भी लेकिन कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, सारे सॉल्यूशंस आपको दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।